हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। The Snowman by Raymond Briggs, told in Urdu by Nadia Jameel. Mr. Barf, Daud उठा। उठते ही उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। जल्दी से उसने अपना स्वेटर पहना, अपनी पैंट चढ़ाई, भागता हुआ नीचे गया। अम्मी अम्मी, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? ऊपर से मैं आता हूं। अपने बूट पहने, टोपी पहने और बाहर बर्फ पड़ रही थी। दाऊद को बर्फ बहुत पसंद थी। दाऊद, अंदर आओ, नाश्ता करो। वाह अम्मी! दाऊद ने एक बर्फ का गोला बनाया और उसको बड़ा किया और बड़ा किया, मजीद उसको बड़ा करता गया, जब तक वो बर्फ का गोला उतनी ही बड़ा हो गया जितना दाऊद खुद था। दाऊद, अंदर आओ, चलो नाश्ता करो। दाऊद ने अपना नाश्ता खत्म किया और नाश्ते के बाद जल्दी से फिर से बाहर भागा। इतना बड़ा बर्फ का पहाड़ बना लिया उसने, और उसके बाद एक और बर्फ का गोला बनाया और उसको उस बर्फ के पहाड़ के ऊपर लगा दिया। और ये था मिस्टर बर्फ का जिस्म और सर। वाओ! डेविड ने खुशी से देखा, फिर अंदर गया। अम्मी अम्मी, मुझे एक टोपी और स्कार्फ दे दें प्लीज प्लीज, मुझे मिस्टर बर्फ के लिए चाहिए। अच्छा बेटा, देती हूँ। दाऊद ने जाके मिस्टर बर्फ को स्कार्फ पहनाया, टोपी पहनाई, भाग के अंदर गया, एक नारंगी उठाई, टोंग, मिस्टर बर्फ की नाक बन गई। भाग के उसने कोयला पकड़ा और टोंग टोंग टोंग, मिस्टर बर्फ का कोट बन गया, टोंग टोंग, मिस्टर बर्फ की आंखें बन गई। और फिर दाऊद खड़ा होके खुशी से देखता रहा, वाह मेरा मिस्टर बर्फ कितना प्यारा, कितना सोना है, वाह, सबसे अच्छा स्नोमैन बनाया है मैंने। अंदर उसने अम्मी अब्बू को अपने स्नोमैन के बारे में देखा, फिर अम्मी अब्बू और डेविड ने टोस्ट खाया, थोड़ा सा टीवी देखा। रात के खाने के बाद दाऊद खिड़की के बाहर मिस्टर बर्फ को देखता रहा। दान साफ करते हुए भी दाऊद खिड़की के बाहर मिस्टर बर्फ को देखता रहा। सोने से पहले भी दाऊद खिड़की के बाहर मिस्टर बर्फ को देखता रहा। अच्छा बस करो दाऊद, अब सोने का वक्त हो गया है। अच्छा अम्मी, शब खैर। दाऊद ने आंखें बंद की लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो बिस्तर से बाहर निकला और उसने फिर एक बार खिड़की के बाहर देखा। वहां अंधेरी रात में अकेला मिस्टर बर्फ खड़ा हुआ था। दाऊद फिर बिस्तर के अंदर घुसा लेकिन नहीं सो सका। उसे जल्दी से अपना स्वेटर वाला कोट पहना, नीचे भागा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया अंधेरी रात में। मिस्टर बर्फ ने दाऊद को देख के अस्सलामुअलैकुम किया जोर से। ये क्या जादू है, मिस्टर बर्फ बोल रहा है? आप बोल कैसे रहे हैं? अरे जैसे आप बोल रहे हो। बहुत शुक्रिया मुझे बनाने का दाऊद, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। आइए अंदर आइए मेरे घर में, लेकिन शोर ना मचाइएगा, अम्मी अब्बू सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ओ ये हमारी मानो बिल्ली है, इसको हाथ ना लगाइएगा। इसको हाथ ना लगाएं, ये लोगों से डरती है। ओ अच्छा, और ये क्या है? ये हमारा टीवी है, ये देखो। जादू? जादू नहीं मिस्टर बर्फ, टीवी, ये देखो, ये बत्ती, ये जलाई, ये बंद की, ये जलाई। जादू? बिजली? जादू नहीं मिस्टर बर्फ। अच्छा आए आए, मैं आपको लेके जाता हूं। ये कितनी प्यारी तस्वीर, वाह! आए मेरे साथ आए, शोर ना मचाइएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। ये हमारा किचन है, यहाँ पे सारा खाना पकता है। ये देखो, ये आपको पसंद आएगा। बंद, खोली। जादू? जादू नहीं, बिजली।
मिस्टर बराब, आप बहुत फनी हो। ये देखें, ये अगर चलाओगे तो पानी निकलेगा, नलका है ये। ओह नहीं नहीं गर्म पानी ना चलाएं मिस्टर बर्फ, आप पिघल जाएंगे प्लीज। नहीं मिस्टर बर्फ, नहीं 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 नहीं, नहीं चूल्हे के पास से जाना, वो बहुत गर्म होता है, डेंजरस है, अम्मी ने मना किया है मिस्टर बर्फ। ये क्या है? ये बर्तन धोने वाला साबुन। मिस्टर बर्फ ने उसको स्क्वीज किया ऐसे करके हाथ में, तो पिश करके सारा साबुन निकला। अरे मिस्टर बर्फ क्या कर रहे हैं, सारा टिश्यू खत्म हो जाएगा, अम्मी ने डांटना है, ना करें ना। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये क्या है? ये आपको बहुत पसंद आएगा, ये बर्फ है। बर्फ? जी, पानी से हम बर्फ जमाते हैं, ये देखें। मिस्टर बर्फ ने बर्फ को अपने मुंह में डाला और हम करके खूब चबाया। ये तो बड़ी मजेदार चीज है, ये कहाँ बनती है? इधर फ्रिज में। वाह कितना मजा आ रहा है मुझे, फ्रिज के सामने ठंडी ठंडी हवाएं। मिस्टर बर्फ क्या कर रहे हैं, आए मेरे साथ ऊपर आए। ये मियां अबू का कमरा है, बिल्कुल शोर ना मचाइएगा। दाऊद मिस्टर बर्फ को अम्मी अबू के कमरे के अंदर ले गया, वहां बिस्तर पे अम्मी अबू सो रहे थे। दाऊद ये क्या है? अरे ये अबू के नकली दांत हैं, इनको ना हाथ लगाइए। और ये? ये अबू हैं। मिस्टर बर्फ ने अबू की टाई पहनी, अम्मी की ऐनक पहनी, अबू की पैंट पहनी, अम्मी की टोपी पहनी। मिस्टर बर्फ आप बहुत फनी लग रहे हैं। अच्छा चले बाहर चलते हैं, शोर मचा रहे हैं, अम्मी अबू जाग जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब कहाँ लेके जाएगा दाऊद मिस्टर बर्फ को? मिस्टर बर्फ ये देखिए, ये मेरा कमरा है, ये मेरा क्रिकेट बैट है, इसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये मेरा स्केटबोर्ड है, ये देखिए ऐसे ऐसे खड़े होते हैं और पहियों वाला स्केटबोर्ड है ये, आप खड़े होंगे। मिस्टर बर्फ देखिए देखिए, ओ मिस्टर बर्फ आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ये देखें, ये मेरा बॉक्सिंग बॉल है, इसको मैं यू पंच मारता हूं और ये यू ऐसे जाता है। मैं करूं डिश करके मिस्टर बर्फ ने बॉल को पंच मारा और जोर से बॉल मिस्टर बर्फ को लगा, मिस्टर बर्फ धम करके गिर पड़ा। अरे मिस्टर बर्फ आप इससे खेलें, ये टॉर्च है, इससे आप गिरेंगे नहीं। ओ जादू! जादू नहीं रोशनी, ये देखो। ओ जादू, सारे रंग बिरंगे गुब्बारे। मिस्टर बर्फ आप बहुत फनी हो। आज मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूं, आ जाए आ जाए। दाऊद मिस्टर बर्फ को अम्मी अबू की गाड़ी के पास ले गया। ओह ये क्या है? यहां बैठे स्टीयरिंग व्हील के पीछे, ये देखें, इस गाड़ी में हम हर जगह जाते हैं, पूरा शहर घूमते हैं। वाह कितना मजा! मिस्टर बर्फ ने गाड़ी की हेडलाइट्स फुल ऑन कर दी। जादू! अच्छा मिस्टर बर्फ बैटरी बंद हो जाएगी, चले चले। ये देखें जल्दी से, दाऊद मिस्टर बर्फ को फ्रीजर के पास ले गया। मिस्टर बर्फ ने फ्रीजर खोल के अंदर देखा। ये क्या? यहाँ अम्मी सारा गोश्त फ्रीज करती है मिस्टर बर्फ। फ्रीज? आइए ना आपको दिखाता हूँ। मिस्टर बर्फ ने अंगड़ाई मार के ऐसे लेट किया फ्रीजर के अंदर। ओ ये तो बड़ी मजे की जगह है। अच्छा मिस्टर बर्फ चलें, कहाँ जा रहे हैं हम? डाइनिंग रूम में आप बैठे, मैं आपको बिप बनाता हूँ। फिर दाऊद ने पकौड़े जलेबियां समोसे सारा खाना मिस्टर बर्फ के सामने रख दिया और खुद खाने लग गया। आप भी खाए ना मिस्टर बर्फ, आपकी प्लेट सारी भरी हुई है। मुझे तो वो बर्फ ज्यादा अच्छी लगी थी। चले खाने के बाद दाऊद ने और मिस्टर बर्फ ने सारे बर्तन धोए और वापस रखे। अच्छा अब दाऊद तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या? बस मेरा हाथ पकड़ना और मेरा हाथ छोड़ना ना, ठीक है? मिस्टर दाऊद ने डेविड का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लग गए।
बाहर बर्फ में भागे 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 इतने तेज भागे कि उड़ने लग गए। डेविड बोला, माय गॉड वाओ। ऊपर सारे खेतों से ऊंचा, सारे दरख्तों से ऊंचे, सारा कुछ नीचे छोटा छोटा लग रहा था। पूरी दुनिया के ऊपर मिस्टर दाऊद और उसका मिस्टर बर्फ और उसका दोस्त दाऊद उड़ पड़े। वाह, वो देखो मिस्टर बर्फ, चांद। हाँ, आ जाओ, हम और आगे जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ के रखो। वाओ मिस्टर बर्फ, वाओ। रोशनियों के शहर के ऊपर से दोनों गुजरे। वाह, चील की तरह मिस्टर बर्फ, चील की तरह। बिल्कुल दाऊद, बिल्कुल। इतना दूर उड़ते 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 वो एक किश्ती के पास आए, बड़ी सी किश्ती, और धड़म करके उसके ऊपर लैंड हो गए। उन्होंने खूब सैर की, खूब दुनिया देखी, मुख्तलिफ शहर देखे। उसके बाद, ओह वो देखो सूरज निकल रहा है दाऊद। ओह सूरज में तुम्हें पिघल जाओ, चलो चलो आओ दाऊद। मिस्टर बर्फ ने दाऊद का हाथ पकड़ा और दोनों वापस उड़ पड़े। पीछे से सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता आसमान को लाल कर रही थी। वाह, उड़ते 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 सारे गांव और शहरों के ऊपर से उड़ते उड़ते मिस्टर बर्फ और दाऊद धड़म करके बर्फ के ऊपर लैंड कर गए, दाऊद के घर के बाहर। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और घर की तरफ बढ़े। ओ मिस्टर बर्फ, आप कितने अच्छे हैं, आज की रात मेरे लिए दुनिया की सबसे कमाल की रात थी, मेरी जिंदगी की बेस्ट रात। ओ तुम भी बहुत प्यारे हो दाऊद, बहुत प्यारे हो, मिस्टर बर्फ बोला। दोनों ने एक दूसरे को जोर से झप्पी दी। अच्छा अब तुम अंदर जाओ और सो जाओ। ओके, शब खैर मिस्टर बर्फ, शब खैर। दाऊद अंदर गया और उसने बाहर देखा तो उसका दोस्त मिस्टर बर्फ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। ओह कितना प्यारा है मेरा मिस्टर बर्फ, दाऊद ने सोचा। मिस्टर बर्फ बहुत खुश था और दाऊद भी बहुत खुश था। दाऊद ऊपर गया और खिड़की के बाहर मिस्टर बर्फ को देखता रहा, देखता रहा। उसने उस रात खूब सोने की कोशिश की, लेकिन कभी इस तरफ करवट खाता, कभी उस तरफ करवट खाता, उसको नींद नहीं आई। उफ, जब सुबह हुई वो बिस्तर से निकला, उसने अपना स्वेटर कोट पहना, जल्दी से कमरे से बाहर भागा, नीचे दौड़ा। वहां अब्बू अम्मी नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। वो बाहर भागा, वो अपने दोस्त मिस्टर बर्फ के पास जा रहा था। लेकिन जब दाऊद बाहर गया तो वहां पे उसको सिर्फ बर्फ का एक पिघला हुआ ढेर मिला, जिसके ऊपर 3 बटन, 1 स्कार्फ और 1 टोपी थे। दाऊद बर्फ की ढेर को देखता रहा। उसके बाद मिस्टर बर्फ फिर बना। कैसे? क्योंकि दाऊद ने मिस्टर बर्फ को फिर बनाया, और हर सर्दी में रोजाना वो जाके मिस्टर बर्फ बनाता है और वो दोनों खूब सारी सैर करते हैं।